कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की हमारे मेंस के एग्जाम अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी मेंस की सीरीज चल रही है। इसका डे 5 आज करने वाले हैं, यानी कि पहले ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं आप सभी की। तो अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर से जरूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उन क्लास का। एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज के सेशन में मैंने आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सा केसलेट डीआई रखा है। आपके मन में हमेशा डर रहता है ना कि सर मेंस में केसलेट डीआई नहीं बन पाता है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक बेटर अप्रोच के साथ में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो केसलेट डीआई बनाना बहुत ही आसान है। और इस केसलेट डीआई को मैं आप सभी को वेन डायग्राम से सॉल्व करवाने वाला हूँ, यानी कि वेन डायग्राम का जो आपका डर है मन में वो भी अब आपका खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन को देखिएगा, कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, एक बार पॉज करने के बाद में इस क्वेश्चन को आप बनाइए पहले खुद से, है ना। समय लीजिए आप, अगर समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को बनेगा आप खुद के एफर्ट्स में, यार देखो यकीन तो करना पड़ेगा, खुद में बिलीव करना पड़ेगा मेंस लेवल की केसलेट बनाने में, मेंस लेवल की पजल सॉल्व करने में, है ना। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप समय लो और क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से जरूर करो। और जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप एक क्वेश्चन में आप सभी से पूछ रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है, कमेंट करके भी आंसर बताना है। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको कमेंट करना है और आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसे, ठीक है। देन उसके बाद में आप मैच कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ। चलिएगा अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक तीन सर्कल बना लिया, मतलब मैं इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाला हूँ। ये सर टेबल बना के सॉल्व हो सकता है क्या? टेबल बना के भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बट टेबल बना के आपके एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल आपको परेशानी करने वाला है। हो जाएगा, टेबल बना के करना चाहोगे उससे भी हो जाएगा, मतलब और दूसरी अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर इस पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से करोगे तो आसानी से और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप सभी का। देखिए एक इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। An institute having 450 employees has sent all its employees for training in one or more areas out of HRM, computer skill and financial skill. एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें टोटल 450 employees है। उन 450 employees को ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है, या तो HRM डिपार्टमेंट में, या तो कंप्यूटर स्किल में, या तो फाइनेंशियल स्किल में, और एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो हो सकता है कि HRM के साथ साथ में फाइनेंशियल स्किल की भी ट्रेनिंग ले रहा हो, मतलब दोनों में हो वो, या ऐसा हो सकता है कि वो तीनों की ट्रेनिंग ले रहा हो, तो ये चीज भी पॉसिबल है ना। इसका मतलब ये था कि वन और मोर का मतलब यही हुआ कि वो एक या एक से ज्यादा में ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है सर। तो आगे बढ़े, तो आगे क्या लिखा हुआ है, दी एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। एम्प्लॉयज को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑफिसर्स एंड क्लर्क। क्लर्क भी है वहां पे और ऑफिसर्स भी हैं। हु आर इन द रेशियो 4:5, जो ऑफिसर्स हैं और जो क्लर्क हैं उनको 4:5 में आपने डिवाइड करना है। फिर यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 10% ऑफ द ऑफिसर्स टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल, ठीक है। तो तीन डिपार्टमेंट है आप सभी के पास में, तीनों डिपार्टमेंट को मैंने यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनाया है मैं उसमें रखने वाला हूँ। तो पहला जो सर्कल है मैं उसे HRM डिपार्टमेंट मान लेता हूँ, दूसरा जो है उसे कंप्यूटर स्किल मान लेते हैं, और तीसरा जो है वो फाइनेंशियल स्किल हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। अच्छा सबसे पहले आपको एक डेटा दिया हुआ है, उसे कैलकुलेट कर लो आप, 4:5 में आप डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स और टोटल नंबर ऑफ क्लर्क आ जाएंगे आपके पास में। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स चाहिए और टोटल नंबर ऑफ आपको क्लर्क चाहिए। इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5, ठीक है। और इनका टोटल कितना दिया हुआ है, देखो टोटल दिया हुआ है सर 450। तो आप ये कह सकते हो कि 5 + 4 ये कितना हो जाएगा, 9। मतलब 9 यूनिट की वैल्यू अगर 450 है तो एक यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी। यहां से अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो चार यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 200। तो मतलब नंबर ऑफ ऑफिसर्स 200 हो गए, और पांच यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 250। तो नंबर ऑफ क्लर्क कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। लीजिए ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन गिवन था नंबर ऑफ क्लर्क और नंबर ऑफ ऑफिसर्स के बारे में, जिसे हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया बड़े आराम से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आगे लिखा हुआ है कि देखिए सबसे पहले 10% ऑफ द ऑफिसर्स टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल। ऑफिसर्स का 10% केवल और केवल कंप्यूटर स्किल में होने वाला है। तो ऑफिसर्स कितने, नंबर ऑफ ऑफिसर्स आपको पता है 200 है,
इसका 10% निकालोगे तो कितना 20 हो जाएगा। 20 कहाँ पे होने वाले हैं, कंप्यूटर स्किल में होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कंप्यूटर स्किल में 20 ऑफिसर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 10% ऑफ द ऑफिसर्स टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल। अच्छा, इसने ओनली इन कंप्यूटर स्किल बोला इसलिए मैंने यहाँ लिखा। अगर वो बोलता कि कंप्यूटर स्किल के साथ में एचआरएम डिपार्टमेंट में भी है तो मैं कॉमन पार्ट जो है वहां लिखता। अगर वो कंप्यूटर स्किल और फाइनेंशियल स्किल की बात करता तो मैं इस वाले पार्ट में लिखता, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ओनली कंप्यूटर स्किल बोला था इसलिए मैंने ओनली कंप्यूटर स्किल में बनाया है उसे। चलिएगा, आगे वाला डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा, 16% ऑफ द क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन एचआरएम व्हिच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन फाइनेंशियल स्किल एंड इज इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेक ट्रेनिंग ओनली इन एचआरएम एंड फाइनेंशियल स्किल बोथ। कितना लंबा डेटा दे दिया एक साथ में, तो इतना लंबा डेटा अगर आप एक साथ में पढ़ोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज ही होने वाले हो। तो आप क्या करोगे, डिवाइड एंड रूल, छोटा छोटा करके डेटा को ब्रेक करेंगे और पढ़ेंगे और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलेगा। तो अगर हमें डिवाइड करो इसे, तो मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगा इस डेटा को और फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 16% ऑफ द क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन एचआरएम। क्लर्क का 16%, तो नंबर ऑफ क्लर्क कितने, 250। तो सर 250 का आपको कितना चाहिए, 16%, 16% निकालना है। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 4/25 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 40। तो 40 यहाँ पे आ जाएंगे, 40 क्लर्क कहाँ पे आ जाएंगे, एचआरएम डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। यही बोला था ना, 16% ऑफ द क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन एचआरएम। अच्छा, इसके बारे में बात, इसके बाद में क्या कहा जा रहा है, विच इज किसके लिए, ये विच जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, ये इन 40 क्लर्क के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लर्क है वो किसके बराबर हो जाएंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑफिसर टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन फाइनेंशियल स्किल। फाइनेंशियल स्किल, केवल और केवल फाइनेंशियल स्किल में काम कर रहे हैं वो, तो फाइनेंशियल स्किल में कितने ट्रेनिंग लेंगे, 40 ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेंगे। भाई यहाँ पर 40 क्लर्क हैं और वो इसके बराबर हैं, तो यहाँ पर ओनली फाइनेंशियल स्किल में कितने हो जाएंगे, 40 ऑफिसर्स हो जाएंगे हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एंड इज इक्वल टू 50% ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन एचआरएम एंड फाइनेंशियल स्किल। एचआरएम और फाइनेंशियल स्किल में जितने नंबर ऑफ ऑफिसर्स होंगे ना, उसका 50% है ये। कौन है 50%, ये है 50%, 40। तो यहां पर जो ऑफिसर्स होंगे एचआरएम में और फाइनेंशियल स्किल दोनों में मिला के, वो कितने हो जाएंगे जी, 80 हो जाएंगे। वो इस बात से एग्री करते हो आप कि भाई नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो उस 80 का ही तो 50% था ये, फाइनेंशियल स्किल में ऑफिसर और एचआरएम में जो क्लर्क थे वो। इस बात से एग्री कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लिख दो कि जो ऑफिसर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ये लीजिए, पता चल गया। तो देखो डेटा कितना बड़ा दिया हुआ था यहाँ पे, एक साथ अगर हम उस डेटा को रीड करते तो नहीं पकड़ पाते ना वो क्या चीज हमें गिवन, मतलब क्या चीज हमें देने की कोशिश कर रहा है वो, क्या चीज गिवन है। लेकिन उसको जब ब्रेक करके हमने पढ़ा तो हमें सारी चीजें क्लियर हो गई एकदम से। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये डेटा सॉल्व हो चुका है, इसे हटा देते हैं यहां से। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पे 6% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग इन ऑल। 6% ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो तीनों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, 6%, तो टोटल का 6%, तो 450 का 6% निकालना है। तो भाई 450 का अगर आपको 6% निकालना है तो आप क्या करोगे, 6/100 कर दोगे, सीधे सीधे सी बात है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से 2 टाइम, 5 से करोगे तो 9 टाइम, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 27। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये मैंने इस तरीके की कैलकुलेशन की है कि आप सभी को समझ में आ जाए। बट ध्यान रखिएगा कि जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो बेटर से बेटर अप्रोच के साथ में जाना है आपको। अब 6% आपको निकालना था, तो 1% की वैल्यू आप सभी को पता होगी कि सर 4.5 होती है, आप इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से कर लो, मन में मल्टीप्लाई, 24 हो गया। 6 को 5 से कर लो, 30, मतलब 3, तो 24 और 3 27 हो जाएगा। मतलब कोशिश ये करनी है कि कम से कम तरीके में, कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, मन में भी कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, बस गलत ना हो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो तीनों में मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 27। मतलब यहां पर तीनों में मिला के टोटल 27 है, ऑफिसर्स भी होंगे इसमें और क्लर्क भी होंगे इसमें, बिल्कुल होंगे सर। लेकिन यहाँ पे एक और डेटा आपको दिया हुआ था कि 6% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग इन ऑल, ऑफ विच 2/3 आर ऑफिसर्स। 2/3 कौन है, ऑफिसर्स हैं इसमें। तो अगर टोटल मेरे एम्प्लॉयज कितने, 27 है यहाँ पे,
तो आप 27 का 2/3 निकाल दो। तो 27 का अगर आप 2/3 निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 18। तो मतलब 18 तो क्या है यहाँ पे, ऑफिसर्स हैं। तो अगर 18 ऑफिसर्स हैं तो क्लर्क 9 रहे होंगे, तभी तो दोनों मिला के 27 हो गए टोटल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो तीनों में कॉमन पार्ट आ रहा है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो होंगे वो तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ क्लर्क है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा, ये डेटा हमें दिया हुआ था, इस डेटा को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया और हमारे पास में नंबर ऑफ क्लर्क और नंबर ऑफ ऑफिसर्स आ चुके। चलिए भाई अब आगे बढ़ते, आगे लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM एंड कंप्यूटर स्किल विच इज 5 times द नंबर ऑफ क्लर्क ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल एंड फाइनेंशियल स्किल। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि टोटल एम्प्लॉयज का 10%, तो टोटल एम्प्लॉयज का 10% कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि टोटल 450 एम्प्लॉयज है ना। तो 10% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM एंड कंप्यूटर। तो HRM और कंप्यूटर का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट है। इसमें जो टोटल ऑल एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, 45 है। ठीक है, विच इज 5 times ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल एंड फाइनेंशियल स्किल। कंप्यूटर स्किल और फाइनेंशियल स्किल में जो नंबर ऑफ क्लर्क होंगे वो 9 हो जाएंगे। फिर क्यों हो जाएंगे सर 9, समझ नहीं आया। देखो, ये अगर 45 है, यहां पे 45 है, और ये इन क्लर्क का 5 गुना है, समझ पा रहे हो, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 10% ऑफ द एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM एंड कंप्यूटर। HRM और कंप्यूटर में ऑल कितने हैं, 45, वो 5 times है किसका, नंबर ऑफ क्लर्क का जो फाइनेंशियल स्किल और कंप्यूटर स्किल में है। तो यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा क्लर्क को, तभी तो 9 का 5 times हो पाएगा कौन, 45। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्लर्क जो है वो क्लियर हो जाते हैं कि कंप्यूटर स्किल और फाइनेंशियल स्किल दोनों में काम करने वाले जो नंबर ऑफ क्लर्क है वो 45 है, सॉरी 9 है यहाँ पे। और ऑल जो एम्प्लॉयज हैं जो कि HRM में और कंप्यूटर स्किल में है वो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे यहाँ पे। इस बात से एग्री कर रहे हो, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ क्लर्क टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM एंड कंप्यूटर स्किल। 10% ऑफ द क्लर्क, क्लर्क का 10%, तो क्लर्क देखो टोटल 250 है, इसका 10% निकालोगे तो 25 आ जाएगा। अब ये 25 कहां पे है, टेक ट्रेनिंग ओनली इन HRM एंड कंप्यूटर, HRM में और कंप्यूटर में। तो मुझे एक बात बताओ, HRM और कंप्यूटर में टोटल सारे के सारे मिला के कितने हैं, 45। उसमें से आपने ये बता दिया कि क्लर्क जो होंगे वो 25 होंगे। देखो यहाँ पे आपके पास में आ गया है ना 10% ऑफ द क्लर्क, तो क्लर्क का 10% मतलब 25 क्लर्क हो गए, तो भी ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे, 45 में से 25 माइनस कर दो, 20 हो जाएंगे। तो आपके पास में डेटा जो है वो आ चुका है यहाँ पे कंप्यूटर स्किल का और आपके साथ में HRM का, दोनों का जो कॉमन डेटा है वो आपको मिल चुका है। इसमें नंबर ऑफ क्लर्क जो होंगे वो तो 25 हो जाएंगे और नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो होंगे वो हो जाएंगे 20। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लर्क भी आ गए और ऑफिसर्स भी आ गए। चलिएगा सर, ये डेटा भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो इससे भी यहाँ से हटा देते हैं। आप देखो बहुत सारा डेटा आपने लिख लिया है ऑलरेडी, थोड़ा सा मिसिंग है वो आ गया, आपका जो गिवन डेटा है उससे पूरा हो जाएगा बस। आगे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन HRM, जो ऑफिसर्स हैं जो केवल और केवल HRM में ट्रेनिंग ले रहे हैं, इज 25% ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क टेकिंग ट्रेनिंग ओनली इन HRM। जो HRM में क्लर्क है ना, ओनली HRM में, उसका 25%। तो ओनली HRM में देखो कितने हैं, 40 क्लर्क है, इसका 25% निकाल दो मतलब 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, 10 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं वो नंबर ऑफ क्लर्क का 25% होगा, किसमें, ओनली HRM में। तो आगे आपके पास में डेटा तो कंप्लीट हो गया जी ओनली HRM। आगे बढ़ते हैं, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टेक ट्रेनिंग ओनली इन कंप्यूटर स्किल। टोटल एम्प्लॉयज का 20%, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 450। 450 का जब आप 20% निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 कहां पे होगा, केवल और केवल कंप्यूटर स्किल में होगा, ये कहा जा रहा है। देखो यहां पे ओनली इन कंप्यूटर स्किल, तो टोटल एम्प्लॉयज 90 होने चाहिए। अगर मेरे पास में 20 ऑफिसर्स आ चुके हैं तो बचे हुए 70 मुझे क्लर्क रखने पड़ेंगे, तभी तो ओनली कंप्यूटर में 20 + 70 = 90 एम्प्लॉयज हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस डेटा से हमारा ये वाला डेटा भी क्लियर हो जाता है। चलिए फिर यहां से भी इसको भी हटा देते हैं,
बहुत सारा डेटा अभी आपका क्लियर हो चुका है। देखो कुछ मिसिंग डेटा है वो आगे के वाले डेटा से कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ क्लर्क ट्रेनिंग सॉरी टेकिंग ट्रेनिंग इन एचआरएम एंड फाइनेंशियल स्किल बोथ इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क। क्लर्क का 20% निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ क्लर्क कितने हैं 250, इसका अगर आप 20% निकालते हो तो आपको पता चलेगा कि 50 आ जाएगा सर। और ये 50 क्या था, नंबर ऑफ क्लर्क, ये नंबर ऑफ क्लर्क हैं जो कहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, टेकिंग ट्रेनिंग इन एचआरएम एंड फाइनेंशियल स्किल। तो एचआरएम और फाइनेंशियल स्किल में अगर ऑफिसर्स 80 हैं तो क्लर्क आपको पता चल गया है कि कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, आ चुका है ना टोटल क्लर्क का 20%। तो टोटल क्लर्क कितने थे 250, उसका 20% मतलब 20% सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑफिसर्स 80 हो गए और क्लर्क जो हो गए वो 50 हो गए। ठीक है भाई, यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो डेटा है वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्लर्क इन फाइनेंशियल स्किल, फाइनेंशियल स्किल में जो क्लर्क है इज 7 मोर देन द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द सेम एरिया। सेम एरिया मतलब ओनली फाइनेंशियल स्किल की बात कर रही है। तो यहां पर 40 ऑफिसर्स हैं तो 47 कौन हो जाएंगे, क्लर्क हो जाएंगे भाई। अगर 40 ऑफिसर्स हैं तो 47 कौन हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑफिसर इन फाइनेंशियल स्किल एंड कंप्यूटर इज 12। कंप्यूटर में और फाइनेंशियल स्किल में जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं वो कितने हो जाएंगे 12। तो कंप्यूटर और फाइनेंशियल स्किल का कॉमन देख लो, ये वाला पार्ट है, इसमें 12 कौन हो जाएंगे, ऑफिसर्स हो जाएंगे। आपका डेटा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पूरे के पूरे केसलेडी आएगा और आपका वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखो हर एक डिपार्टमेंट में आपको पता चल चुका है कि कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज ट्रेनिंग ले गए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा चीजें ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फिर वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का अब हम आंसर चेक करने वाले। कमेंट करो अगर आपका आंसर आ चुका है, आपने सॉल्व कर लिया है उसका, लीजिए। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट वेन डायग्राम जो है वो बन चुका है। अब यहां से वो जो चाहे क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर की मर्जी है, हम सारे के सारे आंसर्स करने के लिए तैयार हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी ऑफिसर्स टेक ट्रेनिंग इन एचआरएम, एचआरएम में कितने ऑफिसर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो भाई एचआरएम की बात की जा रही है, तो एचआरएम देखो, एचआरएम डिपार्टमेंट ये रहा, इसमें कितने ऑफिसर्स हैं ये आपको बताना है। तो भाई एचआरएम में देखो ऑफिसर 10 तो यहां पे मिल गए आपको, तो यहां लिखो 10। ठीक है, उसके बाद में देखो ऑफिसर से चाहिए ना एचआरएम में, कंप्लीट एचआरएम में, तो ऑफिसर देखो यहां पे भी तो है एचआरएम और कंप्यूटर स्किल में, कॉमन पार्ट में भी तो है ऑफिसर, कितने 20, तो यहां पे भी लिख लो 20। फिर उसके बाद में कॉमन तीनों में कॉमन पार्ट में ऑफिसर कितने 18, तो 18 लिख लो। और यहां पे देखो यहां पे कंप्यूटर स्किल में सॉरी फाइनेंशियल स्किल में और एचआरएम में ऑफिसर्स कितने 80। तो जो एचआरएम वाला सर्किल है ना, एचआरएम वाला सर्किल, उस पूरे सर्किल में जितने भी ऑफिसर्स है ना उन सबको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि वो सारे एचआरएम में है और आपसे यही पूछा है कि एचआरएम में कितने ऑफिसर्स जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यहां पे 80 लिखेंगे और आप इन सबका सम कर दो, आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ चुका है। 80 प्लस 20 करोगे तो 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाता है 28, तो 128 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 128 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया, सवाल बना लिया था आप सभी ने, तो सवाल कंप्लीट हो चुका है, एक सवाल मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क में करके बताना है भाई, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और दो से तीन चीजें और मैं बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे सारे क्लासेस के अपडेट आते हैं, सभी चीजें आती है। और जल्दी ही जनवरी में हमारा एक नया बैच आने वाला है, ये क्या है सर, ये है कंप्लीट बैंकिंग बैच 2.0। पिछले साल आया था कंप्लीट बैंकिंग बैच, इस बार कंप्लीट बैंकिंग बैच 2.0 आने वाला है। बहुत ही शानदार बैच रहेगा, बहुत सारा कॉन्टेंट मैं देने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, कि आपको कहीं पे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे साल भर जितने भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें। ठीक है, बहुत समय लगा पीडीएफ तैयार करने में, कंटेंट लिखने में, तैयार करने में, तो पूरे के पूरे पीडीएफ आपको मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी मैं आपको अपडेट करूंगा कि वो जो बैच है वो किस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे और किस तरह से आप क्लासेस देख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।